हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी ब्लॉग। मूवी ब्लॉग लाया था फेम गेम स्टार्टिंग। माधुरी दीक्षित का ये ऑफिशियल ट्रेलर जो काफी ज्यादा बेहतरीन है। नेटफ्लिक्स की सीरीज है जो 25 फरवरी को आ रही है। ये ट्रेलर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। द फेम गेम स्टार्टिंग, माधुरी दीक्षित एक ऐसी कहानी जो हर एक्ट्रेस के पीछे की होती है, हर रियलिटी स्टोरी होती है एवरी एक्ट्रेस की। उनको लगता है ये फेम गेम है, ये स्टारडम है, ये पावर है, ये पैसा है। लेकिन उनसे जाके पूछो बिहाइंड द स्टोरी, बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, और बिहाइंड दी लाइफ क्या चल रहा है, और कुछ कर गुजरने के लिए वो फेम गेम बनता है, किसी काम के लिए वो फेम गेम बनता है। लेकिन कभी कभी वो फेम गेम जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है या बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है तो उन्हीं को वो खा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो एमएक्स प्लेयर इस तरह का कॉन्टेंट लेके आते रहता है, इस तरह से नेटफ्लिक्स ने भी लाया फेम गेम का ये ऑफिशियल ट्रेलर जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। 25 फरवरी को आ रही है भाई, लिटरली बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बिकॉज इसे माधुरी दीक्षित एक आइकॉनिक स्टार, एक डांसिंग स्टार, एंड देन कुछ अलग बनाएगा। मतलब ओल्ड थोड़ा क्लासिक टच देने की कोशिश की गई है, एक रियलिटी बेस दिखाने की कोशिश की गई। क्योंकि देखो ये स्टार्टिंग मूवी आती है तो थोड़ा उतना हिट नहीं करती, लेकिन इस बार जो इतना लेट आई ना प्रोसेस, तो उनको बताया जाएगा कि कैसे उनकी जो पुरानी मूवीज थी कैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़े, तो इंटरनल बेसिस दिखाया जाएगा। इसमें क्राइम थ्रिलर को भी थोड़ा सस्पेंस डाला गया क्योंकि वो मिसिंग हो चुकी है। बेसिकली वो मिसिंग हो चुकी है, तो मिसिंग के पॉजिटिव पॉइंट्स को रखते हुए एक फेम गेम का अच्छा सा ट्रेलर आया जो नेटफ्लिक्स में। यार नेटफ्लिक्स बहुत अच्छी बात है ना कि स्टार्टिंग ही कुछ करता है, जैसे उसके सेक्रेट गेम करता है, जैसे मनी हाइस्ट करता है, उसी साथ लाया उन्होंने द फेम गेम स्टार्टिंग। माधुरी दीक्षित का पहला लगता है नेटफ्लिक्स ने पहला नहीं बहुत पा चुका भाई। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो में कमेंट करके बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना, प्रॉक्सिमेट मिलते हैं।